हाँ प्रिय बच्चों, भैया और बहनों, रुद्र अकादमी खाबा फतेहपुर में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं डीडी सिंह, मैथ लेक्चर। तो बच्चों, आज हम देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे हमारे प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का का पहला क्वेश्चन है। हाँ, निम्न संख्याओं का योग विभाजन
आपको एचसीएल याद करना है। तो पहला सवाल है आपका 135 तथा 225, ये आपके दो घटक गुणांक हैं, इनमें आपको मानना पड़ेगा। माना ए आप मानेंगे सबसे बड़ी संख्या जो होगी दोनों में, तो सबसे बड़ी संख्या 225 की उसको आप ए मान लेंगे तथा जो छोटी होगी उसको बी मान लेंगे। और अब आपको निकालना पड़ेगा क्यू और आर का, तो क्यू और आर का निकालने के लिए ध्यान देंगे आप लोग, छोटी वाली संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में 225। चलिए भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 11 एक ही आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 135। चलिए बताइए 5 × 0 ये हो जाएगा 12 × 3 = 9। तो आपको मैंने बताया था ये आपका ए का मान है, ये बी का मान है और ये क्यू का मान है, ये आर का मान। तो इसको आप रखेंगे जो आपका सूत्र मैंने बताया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 225 और बी का मान है 135 और क्यू का मान है 1 प्लस आर का मान है 90। तो ये आपका होगा पर्सेंटेज, क्योंकि आप जब तक सूत्र नहीं आएगा तब तक आपका भाषा नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए पुनः 135 तथा 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आगे ध्यान देंगे। आगे ध्यान दीजिए, अब यही बात आपको 135 और 90 निकालना है, तो इसमें भी आपका ए बराबर हो जाएगा 135 और बी बराबर हो जाएगा 90। तो इसमें भी आपको क्यू और आर का मान निकालना है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। 90 को भाग देंगे 135 से तो एक ही बार जाता है 90 × 17 = 5 = 4। उसी तरह हो जाएगा, ये आपका ए का मान हो जाएगा, ये क्यू का मान हो जाएगा और ये बी का मान और ये होगा आपका आर का मान। पुनः आपको इसी सूत्र में रखना है जो आपको दिखाया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है आपका 135 और बी का मान है 90 × क्यू का मान है आर का मान होगा 45। अभी देखिए यहाँ आर का मान से सीमा पुनः करेंगे, पुनः 90 तथा 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो फिर आपको 90 और 45 में क्यू और आर का मान निकालना पड़ेगा, तो इसको आपको भाग देकर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जाने लिख दिया ए बराबर हो जाएगा आपका 90 और बी बराबर हो जाएगा 45। तो 45 से भाग देंगे आप 90 में, तो 45 × 90 ये देखिए से जीरो आ गया। तो इसी प्रकार लिखिए आप, ये है आपका ए का मान, ये है बी का मान और ये है क्यू का मान और ये आर का मान, ये शेष का। तो इसलिए आप ये रखेंगे आप अपने सूत्र में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी की वैल्यू क्या है और देखिए 45 और क्यू का मान 2 और आर का मान 0। तो इसलिए आर का मान 0 हो गया, तो आपका इससे निकल आ ध्यान देंगे, इसलिए यह सीरिया 135 कामा 225 बराबर कितना हो जाएगा 45, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो आया भैया मैंने समझ में आपको, जहां दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, जो बात समझ में आए वो। चलिए देखिए आप, अब आप ध्यान दीजिए, आपका मैं किसी का सेकंड नंबर बता दिया, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ देखिए सेकंड नंबर, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे आपको। यस प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, पहला का सेकंड नंबर सेम क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 196 तथा 38,220। तो इसका भी आपको एसवीएफ निकालना है। तो अभी मैंने बताया था जो बड़ा गुणांक हुआ उसको आप ए मानेंगे, माना ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196। तो इसमें भी हम सबसे पहले वही क्यू और आर बराबर निकालेंगे, इसको निकालने के लिए छोटे अंक का बड़े बड़े अंक में भाग देंगे, 196 का भाग देंगे हम 38,220। चलिए भाग ना बताया था भी एक ही बार जाए, चलिए एक बार जाए तो 196 घटाइए 12 6 6, ये हो जाएगा 7 7 17 हो जाए, 17 9 बनाइए 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 में से 1 है 1 बचा, अगला निकाल लीजिए 2। अब देखिए बच्चों भाग कितने बार जा रहा है, ध्यान दीजिए देखिए 9 बार जमा करके देखिए 8,000 दिए हैं, 9 7 54 9 81 5 86 6 9 99 9 9 8 17। चलिए बताइए 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 15 15 में से 9 गया, तो 6 गया 9, अब आप डालिए 0। आप देखिए भाग कितने बार जा रहा है, लगभग 5 बार जाएगा, 5 6 30 59 45 48 5 9 5 5 9, ये लिए से 0 आ गया। तो इसमें आप देखिए ये तो आपका बी का मान है, ये आपका क्यू का मान है, और ये जो है आपका आर का मान है, और ये ए का मान है। ध्यान देंगे अपने सूत्र रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान है आपका 38,220 बराबर बी की वैल्यू है आपकी 196 गुणे क्यू का मान है आपका 195 और आर का मान 0। तो जब आर का मान 0 हो जाता है तो ये आपकी क्या हो जाएगी एचसीएफ, तो इसमें ध्यान देंगे एचसीएफ 38,220 कामा 196 बराबर आ जाएगा आपका 196, ये आपका एचसीएफ होगा। देखिए आया तो ये समझ में आप लोगों को, जहां पर दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए उसको, जो बात समझ में आई क्वेश्चन में। चलिए अब इसके बाद किसी तरह आपके सारे क्वेश्चन नीचे लगेंगे, मेरे समस्या आपको आ जाना चाहिए, याद तो ना उसको कमेंट करके बताइए, बता देता हूँ आपको भी। हाँ चलिए आगे देखिए, अब आपका जो है सेकंड नंबर भी यही दिया है, युग्मक विभाजन को सीधे तोड़ने करके मासा ज्ञात करना है। चलिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल बता देता हूं, बाकी सेम क्वेश्चन है आपका 2 का पहला है,
एक की वैल्यू है आपकी 126 और बी की वैल्यू है 63 गुणे क्यू का मान है 2, आर का मान 0। तो अब आप देखिए यहां से 0 हो गया आपका। तो अब आपको एक तीसरी संख्या है तो उसको ज्यादा ध्यान देना है आपको। तीसरी संख्या आपकी है पुनः 693 तथा जो आपको मास आया मास आया है 63 होगा। चलिए ध्यान दीजिए इसमें भी आपको मान लीजिए माना a बराबर 693 तथा b बराबर 63। तो इसमें भी आपको p और r मान निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए छोटी वाली संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे 693 छह करना छह एक ही बार जा रहा था। चलिए हटाइए 9 में गया 6 3 अब भाग आपका जाएगा एक बार जी। तो ये तो आपका b का मान है ये b का मान ये a का मान और ये r ध्यान देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है आपका 693 और b का मान क्या है 63 गुणे क्यू का मान 11 और आर का मान 0। आपका मान 0 आ गया तो इसलिए आप लिखेंगे या किसी लिया 447 कामा 567 कामा 693 बराबर हो जाएगा आपका ये है आपका 63। 63 इसलिए होगा 63। तो इसलिए जहां भी आप लोगों को समझ में आया हो तो आप समझ करके